मेरी बात मानो, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा और तुम सूर्या को भी भूल जाओगी। मैं उसे पहले ही भूल चुकी हूँ। वैशाली मैम, कैसे हो? बहुत सालों के बाद। सूर्या भाई, वैशाली मैडम रेलवे स्टेशन गई है। सही कहा वैशु। सूर्या, मैं मरते मरते बची इसीलिए शायद वो मुझे दिलासा देने आया होगा, या फिर मुझसे ये कहने के लिए कि वो मुझसे मिलने नेपाल आया था। लेकिन अब मुझसे और झूठ बर्दाश्त नहीं होते। देखो, जो भी मैंने कहा है उसे प्यार से समझा देना प्लीज। मुझे ही समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं उसे ये सब कैसे समझाऊंगी? अब वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। सॉरी। ये दोस्त है तुम्हारा? हाय, आई एम वैशाली। ओ, ये बात है, तो फिर मैं ट्रम्प। ओ नाइस। देखो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। वैशु रुको। ओए, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं घर पे हूँ, नेपाल में नहीं। ओ, पद्मा का नाम सुनकर नाराज हो क्या? अरे पद्मा मेरी माँ का नाम है, भूल गई तुम? जिस दिन तुम कह रही थी उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए थी, पर देर नहीं हुई है। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं। आ जाओ, चलो हाथ दो अपना। अरे कौन हो तुम, पागल हो क्या? शादी कर लेते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये लोग। सूर्या, तुमसे बात करनी है। सारी गलती मेरी है, जबरदस्ती उस दिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसकी अकड़ भी देखो, मुझे पहचानने से मना कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। अब वो पहले जैसी वैशाली नहीं रही। उस अर्थक्वेक में चोट लगने के बाद उसकी याददाश्त खो चुकी है। याददाश्त? मेडिकल में उसे रेट्रोग्रेड अमनीशिया कहते हैं। रेट्रोग्रेड अमनीशिया। वो चाहकर भी अपनी अतीत की बातें याद नहीं कर सकती है। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें। अब उसे याद आने का कोई चांस नहीं है। उनमें से एक तुम भी हो। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। क्या? ये क्या कह रही हो? पागल हो क्या? वो मुझे नहीं भूल सकती। तुम मेरा विश्वास करो या मत करो, लेकिन यही सच है। ए! बोला ना, नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करो या मत करो, लेकिन तुम उसके लिए अजनबी हो। उसे उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश मत करना, ये बहुत रिस्की है। बेहतर होगा कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। प्लीज उसे भूल जाओ। हेलो। हेलो वैशु, एक डॉक्टर होने के बावजूद तुमने एक डॉक्टर से झूठ बुलवाया। उसे समझाना बहुत मुश्किल था। क्या था उसका रिएक्शन? दरअसल वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि मेरे सामने रोना उसके लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम यही हो, तुम कब आई? तुमसे बात करते ही वो चला गया। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। एक साल से मैं उसके बारे में ही सोचती रही। शालिनी, कोई इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है? वैशु, मैं तो उससे मिलने के लिए नेपाल गई थी। अरे बाबा, वो नेपाल नहीं आया तो क्या हुआ, यहाँ तो आ गया ना। हाँ वो आया, पर तुम्हारी बात पर यकीन करके चला भी तो गया। वैशु, तुम तो यही चाहती थी ना कि सूर्या तुम्हारी जिंदगी से चला जाए। हाँ, चाहती तो थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा। ठीक नहीं किया उसने। बोलो सूर्या। उस वक्त तुम क्या कह रही थी?
ये कि तुम उसके लिए अजनबी हो सूर्या। मतलब मेरी वैशाली अपने सूर्या को हमेशा के लिए भूल चुकी है, और अब मैं सामने भी आया तो पहचाने की नहीं। तुमने देखा ना उसकी याददाश्त, तुम उसकी यादों में नहीं हो, वो तुम्हें भूल चुकी है। तुम हंस क्यों रहे हो? मतलब मैं फिर से उसके दिल में प्यार जगा सकता हूँ? मैं कुछ समझी नहीं। अब शुरू होगी एक नई कहानी कल से। कब से नहीं दिख रहा मैडम, साइन करिए। पिछले 10 दिनों से। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या हो रहा? लो, हमने केस हाथ में लिया और ये आ गया है। चलो। होश है तुझे? कहाँ चला गया था? माँ, मैं बताने वाला था, लेकिन अरे अगली बार बिना बताए गए तो देखना। अरे माँ, सारे नेटवर्क जान दे इसलिए फोन नहीं कर पाया आपको। अरे माँ, बात तो सुनो। अरे नाराज मत हो, गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज माँ। नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये सब ऐसे ही भूल जाना है? मतलब तू उसके पीछे गया, पूरा 1 साल तूने उसके पीछे बिगाड़ा, तू नेपाल भी गया, वो ये सब इतनी आसानी से भूल गई? अरे यार, उसको जब सूर्या याद नहीं है तो ये कैसे याद होगा कि कौन उससे प्यार करता था, कौन नेपाल गया था। भाई अब तो क्या करने वाला है? एक ही रास्ता है। कौन सा आखिरी रास्ता? फिर से कोशिश करूंगा। मतलब वो सब फिर से करना पड़ेगा? कोई ना आ गई, शो कर। शो करूंगा, राजा आया तो। सब कुछ पहले जैसा ही करना है? वही कॉपी पेस्ट, बिल्कुल एक्शन रीप्ले। मेरे पीछे गुंडा पड़े हैं, बचा लो। अरे ये तो मुझे दिख रही है। इधर से कोई भाग कर गया क्या? कंफ्यूजन। हाँ, इस तरफ। थैंक्स। नौटंकी बंद करो, इधर आओ, इधर आओ। तूने कहा था कि वैसी की वैसी है, लेकिन वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं। बाप जा जा उसका, तू उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या हुआ? नहीं मिला वो? वो इधर ही होगा। वही ढूंढ रहे, ढूंढ रहे। ये वो देखो, उस तरफ वो भाग रहा है। ए रुक, भागा भागा भागा, रुको। ये 40 की स्पीड में कहां से आ रहे हो? वही एक्शन रिप्ले होगा। मतलब पहले की तरह मार पड़ने वाली है। चालान कटेगा तुम्हारा। हम फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे सर, और बॉल वहां। तुम्हारी प्रैक्टिस तो मैं कराता हूं। बहुत बढ़िया, हमारे इलाके में आ गया। देखो, शुभ मुहूर्त का इंतजार करने से अच्छा है इसका काम तमाम करते हैं। तलादा, ए तू दल देख। गुंडा लोग। अरे कहाँ तुम लोग? आज तू नहीं बचेगा। हमारे तंगुल में फंस गया। यार पहले ही मेरा काम बन नहीं रहा है, तुम लोग और दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। चलो। हम लोग फालतू की बातें करने क्यों बैठ जाते हैं? सीधे सीधे मिटाओ ना इसे। क्या बोला? यही हमारा काम है। I'm sorry, करना पड़ेगा। मुझे मिटाओगे तुम लोग?
पहले उसकी यादों से मिट चुका हूँ मैं, तुम लोग और मिटाओगे? हाँ, मुझे भूल चुकी है पहले ही वो, और मिटाओगे? कैसे भूल गई हूँ मुझे? तुम मेरी क्या गलती? पता है दोबारा उसका दिल जीतना कितना मुश्किल है? हाँ, वो है कौन? वो है के चने चबाने जितना। मार मुझे, मार लो। अरे इतनी रिक्वेस्ट करा तो मारना। और जोर से मार, और जोर से, ये ले। एक्सक्यूज मी, ओ मैडम, दिखता नहीं 10 लोग एक अकेले आदमी को मार रहे हैं। तुमसे पूछ रहा हूं, लगते क्या हो जो बीच में पड़ूं? फ्रेंड हो तुम मेरे, फैमिली मेंबर, भाई हो? बॉयफ्रेंड हूं, नहीं समझी ना? शुरुआत में समझने में दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे सब समझ जाओगी तुम। प्यार से लोग मुझे कार्तिक कहते हैं। अब जाओ। ये राजा, ये रानी, तू कौन है पता है ना? समझा क्या? जोकर। हमें लगा था कि मनगढ़ंत स्टोरी के बाद सूर्या चला जाएगा, लेकिन वो तो कार्तिक बनकर वापस आ गया, और इस बार वो तुमको मना कर ही रहेगा। वो सच में हीरो है। तो क्या मैं विलेन लगती हूँ? मेरा मतलब है, तुमने उसे दूर भगाने के लिए डॉक्टर टर्मिनोलॉजी का सहारा लिया। जब उसे पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तो सोचा है क्या होगा? कैसे पता चलेगा उसे? बिना तैयारी किए एग्जाम में ग्रेड नहीं मिलते। अच्छे से रिसर्च किए बिना तुम उसे ये कैसे विश्वास दिलाओगी कि तुम्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया है? ये कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? कितनी देर हो गई? दादा, कॉफी का ऑर्डर दिया, आधे घंटे हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा? अरे वैशु, तूने तो अभी कॉफी पी, भूल गई क्या? भूल गई। एमनीजिया कैसा लगा? अरे वाह, तू तो सच में एक्ट्रेस निकली। ऑस्कर अवार्ड भी तेरे लिए कम पड़ेगा। क्या बात है, मेरा इंतजार कर रही हो? लड़कियों के आगे पीछे घूमने के अलावा कोई काम नहीं है? सर, सर, आप फुटबॉल प्लेयर कार्तिक है ना? आपने क्या गोल किया था सर कल? बहुत। मिस कमल, चुप कर। मैडम आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? आप बहुत भाग्यशाली है मैडम, बहुत जल्दी ये बंगाल टीम के कैप्टन बनने वाले हैं। तेलुगु लोगों का सिर ऊंचा कर दिया इन्होंने। मैम, इनके साथ एक सेल्फी, सेल्फी प्लीज सर। उसने फोन फेंक दिया। चिढ़ गई बेचारी, बहुत चिढ़ गई। वैसे जितनी ओवर एक्टिंग तू कर रहा था ना, ये तो होना ही था। ए, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा था तो तू क्या कर रहा था? सॉरी, उसने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। उसे लगा होगा तारीफ करेगा तो इम्प्रेस हो जाऊंगी। तारीफ से तो पता नहीं, पर नीचे नहीं देखा तो जरूर डूबोगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दिया तो डूब जाओगे, प्यार में नहीं, पानी में। मत छोड़ो मुझे प्लीज। मैं थामे रखूंगा ना, तब भी डूबोगी मेरे प्यार में।